हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एरिना ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2019 के रिगार्डिंग कि इसमें कौन सी शिफ्ट आपकी कठिन आई थी, अगर जो कठिन आई थी उसमें नॉमिनेशन मार्क्स कितना होगा। साथ ही साथ हम आप शिफ्ट वाइज भी आपका एनालिसिस करेंगे कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, अगर नॉर्मलाइज होगा तो किस में कितना मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये सारा सब कुछ आपको एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं कट ऑफ के ऊपर 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ, टॉप लेवल, टॉप डेंजर लेवल के ऊपर, मीडियम लेवल के ऊपर और लो लेवल कट ऑफ कहाँ जाएगी, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके ये तीनों कट ऑफ की वीडियो देख सकते हैं, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के ऊपर मैंने 3 वीडियो बनाने के बाद मैंने सोचा कि आपको एक शिफ्ट वाइज एनालिसिस दिया जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं इस चैनल से मेरे जुड़े हुए हैं, वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर शिफ्ट वाइज एनालिसिस करके बताइए कि मेरी शिफ्ट में मुझे कितना नॉमिनेशन मार्क्स मिलेगा और मेरी शिफ्ट टफ थी या इजी थी, आप इसको एनालिसिस करके बताइए। तो दोस्तों देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने एनालिसिस किया है, उसके बाद आपको आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिए, ताकि कोई भी अपडेट है, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो या कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वो कोई अपडेट आपसे छूटने नहीं पाएगी, आपको अलर्ट के रूप में आपके फ़ोन पे मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो भी अपडेट है वो एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देता हूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको 100% फ़ायदा होगा, यहाँ पर जो भी चीज़ आपको दिखाई जाती है 100% रियल होती है, प्रॉपर एनालिसिस के द्वारा करने के बाद ही आपको बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हैं और आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आगे क्या है इस वीडियो में। दोस्तों, एक एक क्लिप आपके साथ, एक मैं कमेंट शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये कमेंट शेयर करने का मेरा ओनली मकसद ये है कि लोग कहेंगे कि आप इसके ऊपर क्यों वीडियो बना रहे थे। देखिए, इन्होंने पूछा था कि आई गॉट नॉम हाउ मेनी मार्क्स आई गॉट फ्रॉम नॉर्मलाइज मार्क्स, तो मैंने कहा था ठीक है, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और आपकी जो भी क्वेरी होगी इस पर क्लियर होगी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। चलिए दोस्तों, मैं आप कहोगे कि सर आपने जो वीडियो बनाया है वो किस आधार पर बनाया। देखिए, ये एनालिसिस के ऊपर था, मेरे पास आंसर शीट भी थी। देखिए, किसी एक निक्की कुमारी करके है, उसका आंसर शीट मेरे पास आंसर की था, तो उसी के से मैंने थोड़ा एनालिसिस करके बनाया। इसी तरीके से और लोगों ने मेरे को अपनी आंसर की भेजी हुई है, तो मैंने वहीं से देख करके एक एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद आपकी हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट का, तो ये आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो भी चीज़ आपको बताई जाएगी वो रियल होगी, इसमें फेक कोई न्यूज़ दिखाई नहीं जाएगी। देखिए दोस्तों, वो सारी जो भी आपको स्क्रीनशॉट मैंने दिखाई वो सिर्फ ये मकसद था आपको दिखाने का कि देखिए जो भी चीज़ है इसमें रियल आपको दिखाई जाएगी, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये जो एज़ पर रिक्वेस्ट थी इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आ रही तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिए, आप लोग कोई भी क्वेरी आपकी हो उससे रिलेटेड मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए बात करते हैं कि एसएससी जीडी जो शिफ्ट वाइज एनालिसिस मैंने बनाया इसमें क्या है। देखिए, जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चला था वो 11th फरवरी से लेकर 11th मार्च था, 18 डेज एग्ज़ाम हुआ। इसमें टोटल शिफ्ट 54 थी, 3 शिफ्ट पर डे। देखिए, मैं ज़्यादा इसमें बताना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बनाए, इसमें सब कुछ बताया, बट एक छोटा सा ओवरव्यू आपको लेकर के चल रहा हूँ। पर सीट जो आपका कंपटीशन की बात करें तो 5 स्टूडेंट का कंपटीशन है, जिसमें से 4 स्टूडेंट्स आउट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि जो हर डेट में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कौन कौन से शिफ्ट में टफ आया है पेपर, कौन सा इजी रहा है, उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइज मार्क्स क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, 11 फरवरी को अगर हम बात करें तो सेकेंड शिफ्ट का आपका टफ रहा था पेपर, 3 फरवरी को फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, 17 फरवरी को थर्ड शिफ्ट, 21 फेब को सेकेंड शिफ्ट, 23 फेब को फर्स्ट शिफ्ट, 24 फेब को थर्ड शिफ्ट, 28 फेब को थर्ड एंड फर्स्ट। देखिए, 2 मार्च और 3 मार्च को फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों रही थी, 5 मार्च को थर्ड शिफ्ट, 6 मार्च को फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट, 7 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट, 8 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट, और देखिए अगर 9 और 10 तारीख को फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट टफ आई थी, और 11 मार्च को फर्स्ट एंड सेकेंड। दोस्तों, ये जितनी शिफ्ट थी ये जो थी इनमें टफेस्ट लेवल था, तो इनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कितना कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। देखिए, अगर बात करें ओवरऑल तो 11 से लेकर के 19 तक जो पेपर का लेवल था ऑलमोस्ट मॉडरेट था, बट कुछ बच्चों को टफ लगा, तो उन्होंने मुझे जो बताया है उसके अकॉर्डिंगली मैंने एनालिसिस किया है। तो देखिए, आप ये मानिए कि 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में जो भी अगर आपको नॉर्मलाइज होकर मिलता है मार्क्स,
5 से 8 मार्क्स आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। दोस्तों देखिए नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन का एक सिंपल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनता है। बट सपोज कीजिए आपके फर्स्ट शिफ्ट में किसी बच्चे के 60 मार्क्स आते हैं, उसका इजी पेपर आ रहा है, और जो वही जा करके थर्ड शिफ्ट में उसका मार्क्स 40 आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, उस दिन की जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट जो होंगे उसमें जो मार्क्स आए होंगे उसका एक एवरेज बनाया जाएगा। फर्स्ट के अगर 60 मार्क्स आ रहे हैं तो जो थर्ड शिफ्ट में अगर आपके 40 आए तो पहले आपके 60 मार्क्स बनाए जाएंगे ताकि आप इक्वल हो, उसके बाद आपको जो भी नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंगली वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, देखिए इसमें क्या है, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैटेगरी वाइज भी थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है, जनरल के लिए थोड़ा अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, तो वो उनको मार्क्स में फ़ायदा मिलता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जो नॉर्मलाइजेशन का उन्होंने फॉर्मूला दे दिया उससे सब कुछ क्लियर होगा। देखिए 1-2 मार्क्स 4 मार्क्स का आपको मार्जिन डिफरेंस मिलेगा, वो जो मार्जिनल डिफरेंस होता है वो यही होता है, वो एवरेज मार्क्स इक्विवेलेंट पहले करते हैं सभी बच्चों को, फिर उनको एक नॉर्मलाइज मार्क्स देते हैं। तो दोस्तों जो मैं समझ पाता हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, अगर कुछ गलती हो तो दोस्तों प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैं जितना समझता हूँ मैंने आपको बताने का प्रयास किया, तो 11 फेब से लेकर के 17 फेब के बीच में जो आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेगा वो 5 to 8 मार्क्स मिलने के चांसेस अगर आपका इन शिफ्टों में रहा है और ये शिफ्ट रही हैं इस डेट पर, तो आपको इतने मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए और अगर आपका 21 फेब से लेकर के 2nd और 3rd मार्च के बीच में आपका इन शिफ्टों में रहा है तो आपको 10 से 15 मार्क्स के बीच में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर हम बात करें 5th मार्च से लेकर के 11 मार्च के बीच में, तो आपको नॉर्मलाइज मार्क्स 15 से लेकर के 25 मार्क्स के बीच में मिल सकता है। तो दोस्तों यही आपके साथ शेयर करना था कि आपकी शिफ्ट वाइज कौन कौन सी शिफ्ट टफ थी, उसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका बन सकता है। देखिए ये मार्क्स तो मैंने नॉर्मलाइजेशन बताया, मतलब ये मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, साथ ही साथ जो आपके रॉ मार्क्स होंगे उसके ऊपर ये एड ऑन होकर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये आपके साथ शेयर करनी थी, और जो एक एनालिसिस मैंने बनाया वो आपको दिखाना था इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको सारा क्लियर हो सके। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, बहुत बच्चों के डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों ने मेरे से पूछा था, मैंने दिखाया था, एक तेलंगाना का लड़का मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर मेरे कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होंगे, सर मेरे इतने मार्क्स हैं, तो देखिए उसको भी क्लियर हो गया होगा, प्रेम कुमार नाम था उनका, तो उनको ये क्लियर हो गया होगा डाउट, ठीक है। इसी तरह से और बच्चों ने भी जो पूछे थे उन सबके भी डाउट्स क्लियर होंगे, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, लाइक कर दीजिए मेरी इस वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बच्चों के माइंड में डाउट चल रहा था, तो इन सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।